हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम लोकेंद्र सिंह पवार एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू लेक्चर ऑफ क्लास 9th एंड दैट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बेटा, आज प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव में, जहाँ पर हमारी एक्सपर्ट टीम और ऑसम टीम आप सभी को काफ़ी अच्छी और शानदार जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है। तो बेटा चलो, आज हम न्यू लेक्चर स्टार्टिंग करने वाले हैं। न्यू लेक्चर जो रहने वाला है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के प्रैक्टिस क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाला है। इसमें आपको काफ़ी मजा आने वाला है। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आपको पता है, हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशन पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में आप NTSC, NSCS और PRMO के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल्स एग्जाम्स होते हैं, उनकी भी कंटिन्यू हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये हमारी काफ़ी शानदार, जबरदस्त और औसम टीम है बेटा, आप सभी के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। आई होप आप भी इन फैकल्टीज के साथ काफ़ी अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये जो फैकल्टीज है ना, आप सभी को जो नोट्स रेडी करवा रही है, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट से बनाएं। इन फैकल्टीज में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो कि सब्जेक्टिव रिलेटेड, तो आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप अपने डाउट्स क्लियर करोगे, तभी आपको अपनी प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा और फैकल्टीज इसमें आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगी। आपको पता है, मेनली हम बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन है आपके पास टेलीग्राम का। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है, तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो आप देखोगे वहाँ पर कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बनाए हुए हैं, और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, क्लास 6th का जो कोड है आपका वो है t.m/ttb06, क्लास 7 का आपका कोड है t.m/ttb07, एज वेल एज क्लास 8th का आपका कोड है t.m/ttb08, क्लास 9th का आपका कोड है t.m/ttb009 एंड क्लास 10th t.m/ttb010। ये सारे इन क्लास ग्रुप्स के जो कोड्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। इन ग्रुप्स कोड्स में आप जैसे ही एंटर करते हो, क्लास ग्रुप में कोड एंटर करते हो, तो आप वहाँ पर देखोगे कि आपके लिए मैं लेकर आया हूँ DPPs और स्टडी मटेरियल। तो फटाफट से बिना देर किए हुए आपको क्या करना है, DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है, और आपको ये चेक करना है कि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो कितना है, क्योंकि इससे आपको हमारा जो स्टडी मटेरियल है उसका भी कुछ एनालिसिस हो जाएगा। ओके, तो चलिए, अगर आपको हमारे साथ और अच्छे से प्रिपरेशन करना है, तो इसके लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा, और हमारी जो वेबसाइट है वो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर टॉप पर। हमारी वेबसाइट फटाफट से देख लीजिए आप, www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर विजिट करते हो, तो आप क्या देखोगे, वहाँ पर काफ़ी सारे पैकेजेस आपको इस तरह के वहाँ बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेस्पेक्टिवली क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे आप क्लास 9th में हैं, तो आप क्लास 9th का पैकेज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ डेमो के बेस पर मैंने एक क्लास 6th का पैकेज लिया हुआ है। इसका कॉस्टिंग प्राइस आप देख पा रहे हो 9000 रुपीज़ है। इस 9000 रुपीज़ में आपको क्या क्या मिलने वाला है, कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैम्पल पेपर, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो क्या करना होगा, आपको बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और सीधा आप पहुंच जाएंगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका ऑप्शन भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस है वो है 3500 रुपीज़। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर तो मिल ही रहे हैं, साथ में आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस और बाई वीकली क्विजेज भी मिलने वाले हैं। तो फटाफट से बिना देर किए हुए बाय नाउ पर क्लिक करो और सीधा कहाँ पहुँचोगे आप, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी एक गुड न्यूज़ है, और वो गुड न्यूज़ है आपके लिए, मैं 30% का डिस्काउंट लेकर आया हूँ। लेकिन 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 उसके लिए आपको यहाँ पर एक कोड यूज़ करना होगा। तो फटाफट से इस कोड को यूज़ कर लो, आपका जो कोड है वो है LSLIVE। अगर आप LSLIVE कोड यूज़ करते हो, तो आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पैकेज जिसका कॉस्टिंग प्राइस 9000 रुपीज़ है, अगर आप LSLIVE कोड यूज़ करते हो, तो आपको यहाँ पर 2700 रुपीज़ का डिडक्शन मिलेगा। तो फाइनली ये पैकेज आपको ओनली ओन 6300 रुपीज़ में मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, कहाँ आपका पैकेज 9000 रुपीज़ का था, और LSLIVE कोड यूज़ करने के बाद आपका पैकेज ओनली ओन 6300 रुपीज़ का रहेगा। यही कोड आपका टेस्ट सीरीज के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आप टेस्ट सीरीज पर भी LSLIVE कोड यूज़ करते हो, तो भी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपकी जो टेस्ट सीरीज 3500 रुपीज़ की है, ये आपको ओनली ओन कितने में मिलेगी, 2450 रुपीज़ में। क्लियर है? तो फटाफट से कोड यूज़ करने के बाद बाय पैकेज पर क्लिक करो और सीधा पहुंच जाओ पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर, जहां पर आपके लिए कुछ फैसिलिटीज़ हैं।
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटी से आप पेमेंट करना चाहें उस फैसिलिटी से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर इस पूरी प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ एक नंबर गिवन है 9549041111, आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर कॉल करना होगा और अपने जितने भी डाउट्स हैं क्लियर कर लेने हैं। क्लियर है? ये तो बात हुई कनेक्टिविटी की कि आप किस तरह से हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं लेक्चर स्टार्ट करने की, और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनियल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो चलिए मेरे साथ एक कार्डिनियल प्रॉमिस कर लीजिए फटाफट। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट ऑलरेडी आप ही सही, आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी तो करनी होगी फटाफट से। तो आ जाइए, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है। लेक्चर 9, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं आज के लेक्चर में हम, ठीक है। अभी तक हमने जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से। अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है तो किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला कॉन्सेप्ट समझा है। उसी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पर हम आज कुछ और क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो, ये आपके कुछ लर्निंग आउटकम्स वगैरह रहने वाले हैं, आपको मज़ा आने वाला है। एक बार मैं आपको ब्रीफिंग करवा देता हूँ फटाफट से ताकि हम लेक्चर अच्छे से स्टार्ट कर पाएं। देखो, सबसे पहले आपको इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की अगर बात हो रही है, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात हो रही है, चाहे एलिमिनेशन मेथड की बात हो रही है, इसमें हमेशा याद रखना आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ही गिवन होनी चाहिए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से मतलब कि नंबर ऑफ लीनियर इक्वेशन कम से कम आपके पास 2 होनी चाहिए। ओके, क्लियर है? सिंगल में आप कभी भी एलजेब्रिकली मेथड यूज नहीं कर सकते, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ आपका, एलिमिनेशन मेथड हुआ और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हुआ, ये आप यूज नहीं कर सकते। सबसे फर्स्ट स्टेप में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपके पास इक्वेशन है a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal 0। क्लियर है? ये दोनों इक्वेशन से, इन इक्वेशन को आप इस फॉर्मेट में एक्सप्लेन करोगे। पहले क्या करोगे, x, y और 1, b, c, a, b, आपको क्या याद रखना है, b, c, a, b, b, c, a, b, और नीचे भी यही चलेगा b, c, a, b, लेकिन यहां 1 है तो यहां 2 आ जाएगा, 1, 2, 1, 2, 1, 2। क्लियर है? अब उसके बाद यहां पर बात किसकी की जा रही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। तो इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करो, इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? ये हुई बात। अब आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो कंडीशन में क्या करना होगा, यहां पर एक्स अपॉन बी वन इंटू सी टू माइनस B2 इंटू C1, मतलब कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है पहले। इसी तरह से Y के लिए भी आपको क्या करना होगा, C1A2 माइनस C2A1, और 1 के लिए भी 1 अपॉन करने के लिए, मतलब कि कॉन्स्टेंट टर्म के लिए जिसे हम C बोल सकते हैं, ये आएगा आपका A1 अपॉन B2 एंड A1 इंटू B2, A2 इंटू B1। इन दोनों का डिफरेंस, मतलब कि ये आपस में जिन्हें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इनका क्या होना चाहिए, डिफरेंस, मल्टीप्लाई करके फिर आप इनका डिफरेंस फाइंड कर लो। जैसे ही आप डिफरेंस फाइंड करते हो तो आप क्या देखते हो, यहाँ पर आपको x की वैल्यू मिलती है और यहाँ आपको y की वैल्यू मिलती है। कैसे? देखो, अगर आप इस वैल्यू को उठाकर इसके इक्वल कर दोगे तो ये तो हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्लियर है? तो फाइनली आप क्या देखोगे, B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, ये मिलेगा आपको x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको और इसको इक्वलेट करना होगा, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको और इसको इक्वलेट करना होगा। क्लियर है? ये तो जनरल सी बात हुई है आपके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के फॉर्मूले की। अब हम चलते हैं इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। और पहला ही क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पर है वो काफी अच्छा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखो, एक तो फ्रैक्शन फॉर्म गिवन है और सेकंड थोड़ी सी इक्वेशन को डिफिकल्ट बना दिया। तो अपने क्या करना है, घबराना नहीं है, हमें काफी इजीली और अच्छे से इसे सॉल्व करना है, काफी मजा आने वाला है आपको। देखो, मैं आपको समझाता हूं किस तरह से सॉल्व करोगे। आपको क्या गिवन है, 2x + 1/3 प्लस 3y - 1/2 = 2। क्लियर है?
ये आपको गिवन है। अब आपको ऐसी कंडीशन जब गिवन होती है तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप इक्वेशंस बनाओ पहले, तो इक्वेशन 1 और 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ। क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रही है सिंपल फॉर्म में, मिल रही क्या? नहीं मिल रही है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना है सिंपल फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, इसे इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं, पहले सेकंड वाले को भी लिख देते हैं हम। ये है आपके पास 3x-1/2 + 2y+1/3 = 2, ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। क्लियर है? अब इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लो पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास? देखो आपको इक्वेशन 1 डायरेक्ट नजर आ रही है, हमने तो एक काम करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना मिलेगा आपको? 6। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। तो 2 को मल्टीप्लाई करो आप 2x+1 से, फिर ये प्लस, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। 3 को मल्टीप्लाई करो आप 3x-1 से, क्लियर = 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास 4x+2 + 9x-3/6 = 2। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब ध्यान से देखना, ये 4x और ये 9x, कितना हो गया ये 13x। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 3 है, तो -1 = ये हो जाएगा 2 × 6, तो 12। इसे ले आओ इधर, क्या करोगे? इधर ले आओगे, तो ये होगा आपके पास 13x। एक मिनट, यहां पर तो हमारे पास y है ना, तो हमें तो y चाहिए, हमने x कहाँ लिख दिया? यहां पर हमें क्या मिलेगा? y, क्योंकि y है यहां पर, देखो बिल्कुल ध्यान से। चलिए तो यहां पर भी चेंजेस हो जाएंगे, हमने x लिख दिया है गलती से, कोई बात नहीं y कर देते हैं। देखो ये है आपके पास 3y, हमने क्या इससे देख लिया, तो दोनों को इक्वल कर दिया। ठीक है, चलो अब आपने 3 को 9, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9y-3, ये तो सही है, / 6। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आप देखते हो 4x+9y, यहां से मिलेगा -1 = 2 × 6। इस 12 को इधर ले आओ, तो 4x+9y-1 और -12 = 0, क्योंकि ये प्लस का 12 है, इधर लेकर आओगे तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? 4x+9y-13 = 0। अब आपको मिल चुकी है यहां पर इक्वेशन, और वो भी कौन सी? थर्ड। ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है ना, अब इसी तरह से सेकंड इक्वेशन को भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से दोनों का एलसीएम ले लो, इक्वेशन 2 कहाँ है? ये रही, दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आता है? 6। 6 के टेबल में, 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 टाइम्स में। 3 को मल्टीप्लाई करोगे आप 3x-1 से, और फिर ये प्लस, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। 2 को मल्टीप्लाई करोगे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2y+1 से, और इक्वल आपके पास 2 है ही सही। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? देखो अब ध्यान से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 9x-3 + 4y + 2/6 = 2। क्लियर? 9x+4y, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है पूरा पूरा? समझ में आ रहा है ना? चलो 9x+4y, यहां से क्या मिलेगा? -1 = 2 × 6। 9x+4y-1, इसे भी इधर ले आओ, तो -12 = 0। यहां से मिलता है आपको 9x+4y-13 = 0। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? फटाफट से बोलो। नहीं है, नजर तो आ रहा है ना आपको? थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कट हो रहा है, पर हाँ सही है, आ जाएगा नजर।
क्लियर है, कॉर्नर का नजर नहीं आ रहा मुझे, लग रहा है यहाँ पर आपके पास जीरो है, ठीक है, क्या ये जीरो है, थोड़ा सा मैं आप अंदर की तरफ लिखूंगा, इसे दे दो आप इक्वेशन फोर नेम, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, चलें आगे हम, ये तो 13 हो गया आपके पास है ना। चलो अब यहाँ पर आपके पास दोनों इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं हम, कौन कौन सी इक्वेशन थ्री और फोर, 4x+9y-13 4x-9y-13=0 और 9x-4y-13=0, एक बार चेक कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 4x कहाँ गई, ये रे, 4x+9y-13=0, 9x+4y-13=0, मतलब कि यहां पर भी प्लस यहां भी प्लस और यहां भी प्लस, दोनों जगह क्या आएगा, प्लस आएगा, तो चलो प्लस आएगा तो प्लस करना ही पड़ेगा हमें, ये लो प्लस, ये भी प्लस, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन थर्ड थी और ये इक्वेशन आपकी फोर है। अब आपको क्या करना है, यहां से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो a1 कितना है फोर, a2 कितना है नाइन, B1 9, B2 4, C1 13, वो भी माइनस का, और C2 -13, क्लियर है। अब आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है, तो फॉर्मूला फटाफट से लगा दो, x अपॉन क्या होता है आपके पास, B1 C2 -B2 C1 = y अपॉन, ये होता है आपके पास A2 C1 - A1 C2, और फिर आता है आपके पास कॉन्स्टेंट टर्म A1 B2 - A2 B1, क्लियर, ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना है, वैल्यूज पुट करना तो आपको आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वैल्यूज सारी आपके पास ऑलरेडी है ही सही। तो देखो B1 9, C2 -13, माइनस B2 4 और C1 भी -13, कोई प्रॉब्लम नहीं, y अपॉन A2 9, C1 -13, माइनस A1 4, C2 -13 इक्वल 1 अपॉन A1 4, B2 4, माइनस A2 9 और B1 कितना है आपके पास 9, A2 भी 9 और B1 भी 9, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, ये A1 हो गया, A2 हो गया, B1 हो गया, B2 हो गया, C1 हो गया, C2 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर आपको तो नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, तो x अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 117 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 52, वो भी किसका होगा, प्लस का, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्लियर है, तो ये +52, क्लियर। चलो y अपॉन क्या मिलेगा हमें यहां से, -117 और माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया 52, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। अब ध्यान से देखो थर्ड स्टेप क्या है, 1 अपॉन 16 -81, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक, यहां से प्लस माइनस माइनस हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 65, देखो 7 में से 2 गया तो 5 और 11 में से 5 गया तो 6, तो ये 65 माइनस का, यहाँ पर माइनस का 65 और यहाँ पर 1 अपॉन, ये देखो यहाँ पर 5 और 7 6, 65 माइनस का, क्लियर, यही मिला। अब एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करोगे, इसे इक्वलेट करोगे कांस्टेंट टर्म के, इसे इक्वलेट करोगे कांस्टेंट टर्म के, तो एक्स अपॉन -65 इक्वल 1 अपॉन -65, इसी तरह से वाई अपॉन -65 इक्वल 1 अपॉन -65, क्लियर है, हमने दोनों को आपस में इक्वलेट कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 65 इंटू एक्स इक्वल -65
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स इक्वल 65 अपॉन 65 मिलेगा जो कि होगा आपका 1। इसी तरह से 65 माइनस का वाई इक्वल माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई इक्वल 65 अपॉन 65, ये भी मिलता है आपको 1। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आपको क्या फाइंड होती है, 1 1, और यही आपको करना था। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको यूज करना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बहुत इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हो। तो चलो एक बार देख लेते हैं पहले फटाफट से। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन गिवन था, इस क्वेश्चन में 2x प्लस 1 अपॉन 3 और 3y माइनस 1 अपॉन 2, इसे आपने एक इक्वेशन में कन्वर्ट किया तो इक्वेशन मिलती है आपको 4x प्लस 9y माइनस 13 इक्वल 0। इसी तरह से जो सेकंड इक्वेशन थी आपके पास, इसे भी आपने इजी फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने पर आपने क्या देखा, इजी फॉर्म में कन्वर्ट करने पर आपने देखा कि आपको इक्वेशन 4 मिलती है, और इक्वेशन 4 है 9x प्लस 4y माइनस 13 इक्वल 0। इन्हें जब आपने सॉल्व किया तो यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 आपके पास है, इनकी हेल्प से आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू को फाइंड किया, और डायरेक्ट ये जो आपके पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड होता है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू को पुट कर दिया तो आपका आंसर आपको मिल गया। मेन गेम इस फॉर्मूले का है, क्लियर है, चले आगे। चलिए फटाफट से देख लीजिए, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की हेल्प से आपको सॉल्व करना है, तो बिल्कुल करते हैं। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 0.11, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। 0.7x माइनस 0.5y इक्वल प्लस 0.08 इक्वल हो गया आपके पास 0, ये हो गया इक्वेशन 2, क्लियर। अब इक्वेशन 1 और 2 को वापस से क्या करोगे, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जो गिवन है ये डेसिमल फॉर्म में गिवन है, तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे वो देखो फटाफट से। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से 0.2x है ना, तो क्या मैं इसे डायरेक्ट 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 इक्वल 11 अपॉन 100 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं, 10 एलसीएम मिला इसका, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल 11 अपॉन 10, क्लियर। जीरो से सॉरी 100 आएगा, ये हो जाएगा आपके पास देखो फटाफट यहाँ से 2x प्लस 3y इक्वल 10 अपॉन 100, जीरो से जीरो कैंसिल, तो इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करते हो आप, तो 20x प्लस 30y माइनस 11 इक्वल 0, इसे दे देते हम इक्वेशन थर्ड नेम। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक, क्लियर है, डेसिमल को सॉल्व किया। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 देख लो, इक्वेशन 2 को क्या लिखोगे, 7 अपॉन 10x माइनस 5y अपॉन 10 प्लस 8 अपॉन 100, 8 अपॉन 100 ही है, क्लियर है, इक्वल 0। इसका जो एलसीएम मिलेगा आपको वो मिलेगा 100, तो ये हो गया आपके पास 70x माइनस 50y प्लस 8 इक्वल 0। तो फाइनली आप देखते हो कि जहाँ से जो आपको इक्वेशन फाइंड हो रही है वो इक्वेशन हो रही है 70x माइनस 50y प्लस 8 इक्वल 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन 4, क्लियर है। यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर जो आपको ये इक्वेशंस मिल रही है कौन सी, 3 और 4, इनकी हेल्प से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू फाइंड करना है ना, यही करना है। तो आ जाओ फटाफट से देख लो, पीछे लिख लेते एक काम करते, क्योंकि हमें बार बार चेक करना होगा, नहीं तो इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते। फर्स्ट इक्वेशन 20 प्लस 30 माइनस 11, ट्वेंटी प्लस 30
माइनस 11 इक्वल 0, इक्वेशन थर्ड है। और इक्वेशन फोर्थ कौन सी है हमारी, इक्वेशन फोर्थ है 70x माइनस 50y प्लस 8, 70x माइनस 50y प्लस 8 इक्वल 0, इक्वेशन फोर। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से क्या करोगे, दोनों इक्वेशन की हेल्प से आप a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू पुट करोगे। तो फाइंड कर लो पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये तो हो गए 20 70, ये हो गया 30 माइनस 50, और ये -11 और 8। क्लियर? अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, x अपॉन इक्वल y अपॉन इक्वल 1 अपॉन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं x अपॉन, तो b1 c2 माइनस b2 c1। इसी तरह से y अपॉन की बात करें तो a2 c1 माइनस a1 c2, और ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका हो गया फॉर्मूला। क्लियर? फॉर्मूला कॉन्सेप्ट हो चुका है कंप्लीट। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करना है। तो फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू को पुट करने के लिए क्या करें, आपके पास वैल्यूज तो है ही सही ना, पुट कर दो यार बिना टेंशन के। एक्स अपॉन b1 30 c2 8 माइनस b2 माइनस 50 c1 माइनस 11 इक्वल y अपॉन, यहां से देखो y अपॉन a2 70 c1 माइनस 11 माइनस a1 20 c2 8 इक्वल 1 अपॉन a1 20 b2 माइनस 50 a2 माइनस 70, पॉजिटिव 70, लेकिन आगे साइन जो है दोनों में माइनस का ये आएगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंस का है ना, ओके okay, और साथ में b1 30। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बताओ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके okay? चलो अब आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, x अपॉन 240, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा किसका, प्लस का। अरे भाई मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस का साइन, दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो 550 आया। क्लियर? वो भी किसका, प्लस का, लेकिन प्लस और माइनस वापस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 550। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो y अपॉन 770, लेकिन वो माइनस का, और माइनस 160। चलो आगे, ये हो जाएगा आपका 1000, वो भी माइनस का, क्योंकि 50 जो है वो किसके हैं, माइनस के, और ये माइनस का 210। क्लियर है? आया ना भाई, यही आएगा या नहीं आएगा? अब क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे, फटाफट से बताओ। चलो अब देखो यहां पर सॉल्व करो, 0 1 3 माइनस इक्वल y अपॉन 0 1 6 माइनस इक्वल 1 अपॉन माइनस 3 1 0 0। क्लियर है? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, लेकिन साइन किसका होगा, माइनस का। अब यहां पर वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, दोनों के इक्वल एड करोगे, 3 1 0 इक्वल 1 अपॉन माइनस 3 1 0 0। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये मिलता है आपको 3 1 0 0 माइनस का इक्वल माइनस 3 1 0, और साथ में x माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल 3 1 0 अपॉन 3 1 0 0, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 10 टाइम, x की वैल्यू मिलती है 1 अपॉन 10। कितनी फाइंड होती है x की वैल्यू, 1 अपॉन 10। इसी तरह से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y के लिए जो कंडीशन होगी हमारी वो क्या होगी, y अपॉन माइनस 6 1 0 इक्वल 1 अपॉन माइनस 3 1 0। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस 3 1 0 0 वाई इक्वल माइनस 6 1 0।
तो वाई इक्वल माइनस 610 अपॉन 3100, ये भी माइनस का है तो माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, सॉल्व कर लेना आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को हमने फाइंड कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह की। एक मिनट, यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी हमने, गलती क्या की, यहाँ माइनस और माइनस होगा प्लस, क्या होगा प्लस होगा, लेकिन हमने यहाँ क्या किया माइनस कर दिया, तो माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का, तो 0, 7 और 6, 3 थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ गलत है तो श्योर है कि आपको कहाँ कहाँ गलत मिलेगा, यहाँ भी गलत मिलेगा, यहाँ भी गलत मिलेगा, तो ये पूरी कैलकुलेशन यहाँ थोड़ी सी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये तो 3100 एक्स ये होगा, देखो 0, 7 और 6, 13 का 3 केरी गया 1, 3 और 1 7 और 1 8 माइनस का, क्लियर, माइनस का क्या मिला हमें यहां से, फटाफट देख लो 830, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, या है फटाफट बोलो 830 आएगा क्या, अरे भाई 0, 0, 7 और 6, 13 का 3 गिरी गया 1, 7, 1, 8 और 1, 9, 930 वो भी माइनस का, माइनस 930, क्लियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 930, क्लियर, तो y इक्वल माइनस 930 अपॉन माइनस 3100, माइनस से माइनस कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 62 थ्री टाइम्स, कितने टाइम्स कटेगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आगे बात समझ में, तो सॉल्व कर लो इसे, आपको अपना आंसर मिल गया। तो यहां पर हमने x और y दोनों का वैल्यू को फाइंड किया, x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको फाइंड हो गई यहां से, और यही आपका मेन आंसर। तो यही आपको करना था कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप काफी इजीली कर सकते हो, अगर फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। क्लियर है, बस कैलकुलेशन का बिल्कुल ध्यान रखना, कैलकुलेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं फटाफट से, देख लो ये, ओके क्लियर है, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, पहले तो डेसिमल हटा दिया, नॉर्मल इक्वेशन बनाया, उन इक्वेशन की हेल्प से हमने एक्स और वाई की a1 b1 a2 b2 c1 c2 इनकी वैल्यू को फाइंड किया, फॉर्मूले में पुट किया और सॉल्व कर लिया। मेन ये फॉर्मूले का गेम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से आपको इसे सॉल्व करना है। तो इक्वेशन क्या है आपके पास, एक्स माइनस 2y = 10, और ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन, 4x + y = 13, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन से है ना, ए वन की वैल्यू क्या होती है 1, बी वन की वैल्यू -2, सी वन की वैल्यू -10, क्यों, क्योंकि इसे इधर लेकर आओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से ए टू की वैल्यू 4, बी टू की वैल्यू 1, सी टू की वैल्यू -13, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करना है, तो फॉर्मूला तो आपको पता है, फटाफट से फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करो, ये होता है आपका बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन वाई अपॉन ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू और 1 अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, क्लियर, आपको अपना फॉर्मूला मिल गया। अब क्या करना है आपको, नॉर्मल कैलकुलेशन वो तो आपको अच्छे से आती है, वैल्यू पुट्टी तो करना है, बी वन की वैल्यू क्या है -2, सी टू की वैल्यू क्या है -13, माइनस बी टू की वैल्यू क्या है 1 और सी वन की वैल्यू क्या है -10, ये लो y अपॉन y के लिए a2, a2 है आपके पास 4, c1, c1 है -10, माइनस a1 1, c2 -13, 1 अपॉन a1, a1 क्या है 1 है, b2, b2 भी 1 है, माइनस a2 4, b1 -2, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। यहाँ से x अपॉन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 26, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 10,
इक्वल वाई अपॉन माइनस 40 माइनस माइनस प्लस 13 वन अपॉन, यहाँ से देखो फटाफट से वन और प्लस 8, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया x अपॉन 36 y अपॉन 27 वो भी माइनस का और 1 अपॉन 9। अब आपको क्या करना है, x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, तो कर लीजिए x अपॉन 36 इक्वल 1 अपॉन 9, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल 36। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से क्या करोगे, x इक्वल 36 अपॉन 9 मतलब कि 4। अब y के लिए भी वैल्यू फाइंड करना है, तो y अपॉन माइनस 27 इक्वल 1 अपॉन 9, 9y इक्वल माइनस 27, यहाँ से y इक्वल मिलेगा माइनस 27 अपॉन 9, तो y की वैल्यू फाइंड होती है माइनस 3। ये लो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट किया, सॉल्व किया, खत्म। एक बार हम एक काम करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने इससे पहले किया है एक बार, ताकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ हमने गलती कर दी हो, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, कितनी अच्छी बात है। इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, तो फटाफट नोट करो इसे, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन भी नोट कर लो जल्दी से, टाइम हो गया काफ़ी, 36 मिनट्स हो गए, जल्दी करो जल्दी करो, और भी क्वेश्चन करना है अभी हमें, चले आगे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन देखो फटाफट से, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जल्दी बताओ हाँ या ना, फटाफट से सॉल्व कर दें, आ जाओ। 5x प्लस 3y इक्वल 5, एंड इसे इक्वेशन वन नेम दे दे क्या, नहीं देते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ से हम 5x प्लस 3y इसे इधर लाओ, तो माइनस 5 इक्वल 0, ये हो गई आपकी इक्वेशन वन। सेकंड आपको गिवन है 2x प्लस 4y इक्वल 3, तो यहाँ से इस 3 को इधर लेकर आओ, 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल 0, ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास है, हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का। तो a1 वैल्यू क्या है हमारे पास, 5, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 4, C1 की वैल्यू माइनस 5, C2 की वैल्यू माइनस 3। फटाफट बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है या नहीं, नहीं है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है, तो x अपॉन मिलेगा आपको B1 C2 माइनस B2 C1, y अपॉन ये मिलेगा आपको A2 C1 माइनस A1 C2, और 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, यही फॉर्मूला होता है ना, हाँ या ना, यही होता है। चलो अब वैल्यू को पुट कर दो फटाफट से, B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू आपके पास 3, C2 की वैल्यू माइनस 5, माइनस B2 की वैल्यू 4, C1 की वैल्यू यहाँ पर C2 है तो 3 आएगा, ठीक है। C2 की वैल्यू माइनस 3, C1 की वैल्यू माइनस 5 इक्वल। बस वैल्यू पुट करने में बिल्कुल ध्यान रखना, अगर वैल्यू पुट करने में कहीं कोई गलती हो गई तो आपके पूरा आंसर को वो चेंज कर देगी। यहाँ पर देखो A2 की वैल्यू कितनी है, फटाफट से देखो 5, C1 की वैल्यू कितना है माइनस 5, माइनस A1 का वैल्यू A2 है, A2 की वैल्यू तो यहाँ पर ओनली ऑन 2 है, तो हम 5 कहाँ से लिख रहे हैं, 2, A2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, अब A1 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू माइनस 3 इक्वल 1 अपॉन A1 की वैल्यू 5, B2 की वैल्यू 4 माइनस A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। x अपॉन माइनस 9 प्लस 20, y अपॉन माइनस 10 प्लस 15, 1 अपॉन 20 माइनस 6, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, फटाफट से बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। एक बार वैल्यूज चेक कर लेते हैं हम, यहाँ पर देखो A1 B2, A1 की वैल्यू 5, B2 की वैल्यू 4, क्लियर है 20, 16, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। और A2 B1 हमारे पास 2,
बी वन है थ्री, क्लियर है। चलो वैल्यूज हमारे पास पूरी कंप्लीट है। एक्स अपॉन क्या मिलेगा यहाँ पर, 11, वाई अपॉन 5 और 1 अपॉन 14, ठीक है। अब एक्स वाई के वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वलेट करेंगे। तो यहां से देखो एक्स अपॉन 11 इक्वल 1 अपॉन 14, यही करते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं करेंगे। फटाफट से देख लो जल्दी से, फटाफट b1c2 माइनस 3, ठीक है, माइनस का 9, ठीक है। फिर b2c1 है हमारे पास 4 और माइनस 5, ठीक है। चलो कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से मिलेगा हमें 14x इक्वल 11, एक्स इक्वल 11 अपॉन 14, एक्स की वैल्यू क्या फाइंड होती है 11 अपॉन 14। इसी तरह से वाई के लिए फाइंड करना है, तो वाई क्या है हमारे पास, वाई अपॉन 5 और इससे इक्वल करेंगे किसे, 1 अपॉन 14 के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपके पास 14y इक्वल 5, तो y इक्वल 5 अपॉन 14। ये लो x और y दोनों की आपको वैल्यू फाइंड करना था और दोनों की वैल्यू आपके पास एज इट इज है। कोई प्रॉब्लम है किसी तरह की, फटाफट से बोलो हाँ या ना, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या डाउट है हाँ या ना, फटाफट बताओ। नहीं है, फटाक से छाप लो इसे, जल्दी से छापो, थोड़ा जल्दी जल्दी छापो ताकि हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छाप लिया x और y, मेन प्रॉब्लम हमारा ये कि इन क्वेश्चंस में जो भी करना है हमें x और y के लिए करना है, एफर्ट्स इतना लगाना है x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए लगाना है। फटाक से नोट करो, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, जल्दी से देखो, जल्दी जल्दी। फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वन इक्वल जीरो, दैट इज इक्वेशन वन। टू एक्स माइनस फाइव वाई प्लस इलेवन इक्वल जीरो, दैट इज इक्वेशन टू एंड सॉरी वन एंड टू, ऊपर वाली वन है नीचे वाली टू है, क्लियर। अब यहां पर क्या करना है, डायरेक्ट जब हमारे पास है तो ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू की वैल्यू नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं। ए वन हो गया 4, ए टू हो गया 2, बी वन हो गया माइनस 3 और बी टू हो गया माइनस 5, सी वन हो गया 1 और सी टू हो गया 11। कोई प्रॉब्लम हाँ या ना, फटाक से बोलो। नहीं, चलो अब आपको फॉर्मूला याद है काफ़ी अच्छे से, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन वाई अपॉन ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू इक्वल 1 अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये लो फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड में वैल्यूज को पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा अपना। फटाक से देखो, एक्स अपॉन बी वन की वैल्यू माइनस 3, सी टू की वैल्यू 11, बस वैल्यू पुट करने में बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, है ना। बी टू की वैल्यू माइनस 5, सी टू की वैल्यू 11, सी वन की तो 1 है यहां पर, ए टू सी वन है तो ये तो आएगा 1 और ये आएगा 11। वाई अपॉन एक मिनट थोड़ा सा हमने गलती कर दी है, वापस कर लेते हैं इसे सॉल्व। बी वन की वैल्यू क्या है माइनस 3 और सी टू की वैल्यू 11 माइनस बी टू की वैल्यू कितना है माइनस 5 और सी वन का वैल्यू 1। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। वाई अपॉन ए टू की वैल्यू 2, फटाफट से देखकर ध्यान से लिखते जाओ, सी वन की वैल्यू 1 माइनस ए वन की वैल्यू 4, सी टू की वैल्यू 11, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो 1 अपॉन ए वन बी टू, ए वन है आपके पास 4, बी टू है माइनस 5, 4 इंटू माइनस 5 माइनस ए टू बी वन 2 माइनस 3, क्लियर, ठीक है। चलो एक्स अपॉन माइनस 33 माइनस माइनस प्लस 5 इक्वल वाई अपॉन 2 माइनस 44 1 अपॉन माइनस 20 प्लस 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, ओके। एक्स अपॉन माइनस
28 y upon minus 42 1 upon minus 14. x और y की वैल्यू फाइंड करना है तो x अपॉन माइनस 28 इक्वल 1 अपॉन माइनस 14, दोनों को इक्वलेट कर देंगे. ठीक है, ये हो गया माइनस का 14x माइनस का 28. तो माइनस 28 अपॉन माइनस 14 x की वैल्यू मिलती है यहाँ से 2. इसी तरह से अब हम करते हैं y की वैल्यू फाइंड. तो ये हो जाएगा y अपॉन माइनस 42 इक्वल 1 अपॉन माइनस 14. तो माइनस 14 वाई इक्वल माइनस 42, वाई इक्वल माइनस 42 बाई 14, वो भी माइनस का, तो ये हो गया 3. तो वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड होती है हमें 3. क्लियर. अब एक्स और वाई दोनों का वैल्यू फाइंड करना था. एक्स का वैल्यू हमें 2 फाइंड होता है, वाई का वैल्यू हमें 3 फाइंड होता है. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है फटाफट बोलो, हाँ या ना, समझ में आया पूरा पूरा? बस एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए आपको. उसके लिए आपको इक्वेशन गिवन होगी, उसमें से आप a1, a2, b1, b2, c1, c2 की वैल्यू फाइंड कर लो. उन वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो फॉर्मूला में, सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ तो क्या है, नॉर्मल मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट. सिर्फ और सिर्फ मैं तो यही कहूँगा आपसे कि ये जो साइन है इन पर ध्यान दे लो. अगर साइन आपको समझ में आ गए तो सब अच्छा ही है. ओके, चलो नोट करो इसे जल्दी से. आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, काफी अच्छा क्वेश्चन है. क्या करोगे? देखो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा बी एक्स ओके प्लस ए वाई इक्वल ए बी इंटू ए प्लस बी, यही होगा. इसे इधर रह कर आओ, बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी ए प्लस बी. ओके क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं. इसे दे दो इक्वेशन वन नेम. इसी तरह से यहां पर ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल जीरो, ये हो गया इक्वेशन टू. अब आपके पास यहां से ए वन की वैल्यू बी, ए टू की वैल्यू बी स्क्वायर, बी वन की वैल्यू ए, बी टू की वैल्यू ए स्क्वायर, सी वन की वैल्यू माइनस ए बी इंटू ए प्लस बी, और सी टू की वैल्यू माइनस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर. फॉर्मूला आपको याद है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, इतना सा काम है और कुछ नहीं है. ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है, ऐसे समझ में नहीं आता है तो एक और काम कर सकते हो. और वो काम क्या करोगे, देखो इसे लिख दो 1 अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन बी इंटू वाई इक्वल ए प्लस बी. इसे भी इधर लेकर आ जाओ, तो 1 अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन बी इंटू वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल जीरो, ये लो, ये बन गई आपकी इक्वेशन वन. ठीक है, इस तरह से अगर आपको नहीं बैठ पाता है तो हटा दो. मैंने तो आपको बता दिया है सिर्फ तरीका, नहीं बैठ रहा है तो कोई बात नहीं, हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो काफी सारे मेथड्स है ना. इसी तरह से सेकंड के लिए 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई माइनस टू इक्वल जीरो, इक्वेशन टू. ये आपके पास ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू. क्लियर, वैल्यू पुट करोगे आंसर मिलेगा फॉर्मूले में, इतना सा करना. ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है. आ जाओ एक और सेम एलसीएम लेके करो, या अभी मैंने जिस मेथड से आपको बताया उस मेथड से करो. 1 अपॉन ए इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन बी इंटू वाई इक्वल 2 है, तो इस 2 को भी इधर लाओ तो माइनस 2 हो जाएगा. ए वन बी वन और सी वन की वैल्यू है इधर, ए टू बी टू और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा सी टू. क्लियर, सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ये क्वेश्चन थे आज हमारे, जिन्हें हमने इन क्वेश्चंस को किसकी हेल्प से सॉल्व किया,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व किया। आई होप बहुत इजी और बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और एक जो कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरह से इक्वेशन को सिंपल बनाया जाए, वो अगर आपको आता है तो आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम इन्हीं के ऐप से मिलेगी। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर हम। बाय।